वैसे तो मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले कई सालों से मैं विदेश में रह रहा हूँ। और आज जो हकीकत मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आपको कुछ बताने के लिए शेयर कर रहा हूँ। ये साल 2018 या 19 की बात है। उन दिनों मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैंने इंटरनेट से कुछ वीडियो देख के एक ग्लास में नमक वाला पानी भर के उसको अपने कमरे की एक शेल्फ में एक पर्दे के पीछे रख दिया। लेकिन पानी रखने के बाद मैं उसके बारे में भूल ही गया। फिर कुछ दिनों बाद जब याद आया तो मैंने वो ग्लास चेक किया तो देखा कि उसका रंग लाल तो नहीं हुआ था, लेकिन डार्क पिंक जरूर हो गया था। मुझे ठीक से याद भी नहीं था कि मैंने वो पानी वहां रखा क्यों था। शायद इसीलिए कि उन दिनों मुझे रात में बहुत डरावने सपने आने लगे थे। खैर, जो कुछ भी था मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं जिस कमरे में सोता था ठीक उसी के पीछे एक छोटा सा गार्डन था। तो कई दिनों बाद एक दिन मैं उस गार्डन की सफाई कर रहा था, तभी मुझे वहां जमीन में अपनी वाइफ की एक इयररिंग पड़ी मिली, जो कि टाइटेनियम सिल्वर से बनी थी, जिसमें ब्लू स्टोन लगा था। मैं जैसे ही उस इयररिंग को उठाने लगा तो मेरे हाथ में एक लाल धागा आ गया, जो थोड़ा सा मिट्टी से बाहर निकला हुआ था। मैंने वो धागा खींचा तो मुझे महसूस हुआ कि वो जमीन के अंदर किसी चीज से बंधा हुआ था। फिर मैंने मिट्टी हटाई तो देखा कि वो मिट्टी के नीचे एक लिफाफे से बंधा हुआ था। वो लिफाफा बिल्कुल उसी कमरे की दीवार की नींव के साथ रखा हुआ था जिसमें मैं सोया करता था। मैंने उस लिफाफे को खोला तो देखा कि उसमें कुछ सूखी हुई जड़ें रखी थी जिनपे एक बहुत ही बड़ा धागा बंधा था। पहले मैंने सोचा कि उस लिफाफे को जला देता हूं, लेकिन फिर मैंने उसको कूड़ा समझ के कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। लेकिन उस दिन के बाद से हमारे घर में बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगी। घर का फायर अलार्म किसी भी टाइम अपने आप बजने लगता। मैंने उसमें नई बैटरी भी डाली लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वो फायर डिटेक्टर ठीक मेरे कमरे के साथ गैलरी में लगा हुआ था। मेरा काम ऐसा था कि ऑफिस मुझे कभी दिन में जाना होता था तो कभी रात में। धीरे धीरे हमारे घर के हालात और बिगड़ने लगे। एक दिन मैं अपने कमरे में सोया हुआ था तो किसी ने मेरी जांघ पर इतनी जोर से चुटकी काटी कि मेरी तो दर्द के मारे जान ही निकल गई। मैं मदद के लिए चिल्लाया लेकिन उस वक्त घर में कोई नहीं था। सुबह करीब 10 बजे का टाइम था। मैं फिर से सो गया, लेकिन फिर करीब 2 दिन बाद फिर से मेरे साथ वैसा ही हुआ। उस दिन मैं बेड पर टेढ़ा लेटा था, मेरी पीठ पीछे दीवार की तरफ थी। तभी मेरे हिप पे किसी ने बहुत जोर से चुटकी काटी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला मेरी स्किन के ऊपर रख दिया हो। मैं दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। फिर मैंने जैसे ही गर्दन पीछे घुमाई तो देखा कि दीवार के पास एक धुएं जैसा सफेद साया खड़ा था। उस साये का मुंह नहीं था, ना ही गर्दन थी, बस सिर पे एक छोटी सी टोपी दिख रही थी। उसके कंधे भी थे लेकिन हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे ही नीचे पांव भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो वहां खड़ा जरूर था। वो मुझे कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई दिया और फिर वहां से गायब हो गया। और उस दिन के बाद से मेरा काम धंधा भी बिल्कुल चौपट होने लगा। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें मेरे सिर पे गहरी चोट लगी थी। मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। आखिर में सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कुछ महीनों के लिए अपने गांव वापस आ गया और अपना इलाज करवाने लगा। और कुछ टाइम बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आप भी यही समझ लो कि अगर आपको भी ऐसा कुछ दिखाई दे तो आपके भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। हम उस घर में अब भी कई बार जाते हैं, लेकिन मैं उस कमरे में रात में तो क्या दिन में भी नहीं जाता, उस कमरे की तरफ देखता भी नहीं। साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह मैंने वो साया खड़ा देखा था
ठीक उसके पीछे दीवार पर भगवान की तस्वीर वाला एक कैलेंडर भी लगा था, लेकिन उस साये को उस तस्वीर से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसका मतलब यही है कि इस तरह की तस्वीरों से इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब मैंने उस साये को देखा था तो वो दिन के करीब 11-12 बजे का टाइम था, जिसका मतलब ये है कि ये चीजें दिन में भी आ सकती हैं। वो टोपी जो उसने सर पे पहनी थी उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई मुस्लिम है। अब ये सब कुछ बंद हो चुका है, लेकिन उन दिनों ऐसा होता था जैसे कोई हमारी छत पे तेजी से भाग रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। भागने की आवाज हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही आती थी, और जिस जगह उस चीज ने मुझे चूंटी काटी थी वहां आज भी मुझे बहुत दर्द होता है। मैं भूतों से नहीं डरता था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे मैं ये कह सकता हूं कि इन चीजों में इतनी शक्ति होती है कि अगर ये एक सेकंड के लिए भी आपको छू लें तो आप जमीन से 5 फुट ऊपर उछल जाओगे। और जिस तरह से वो मुझे चुटकी काटता था, ऐसा लगता था जैसे वो मेरी स्किन के अंदर हाथ डाल के ऐसा करता है। मुझे लगता है कि वो जो कुछ भी था पक्का कोई जिन था। मेरा नाम ऋषभ है, मैं झारखंड के सिकदिरी गांव का रहने वाला हूं। आज मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूं वो एक सच्ची कहानी है जो हमारे ही मोहल्ले में घटी थी। तो हुआ ऐसा था कि हमारे मोहल्ले में एक औरत रहा करती थी। उसके घर वाले उसको बहुत परेशान करते थे और मारते पीटते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस औरत की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसके घर वालों ने ना तो उसका इलाज करवाया और ना ही उसको कोई दवाई दिलवाई। तो आखिर में उस औरत ने परेशान होकर आयरन की गोलियों का एक पूरा पैकेट खा लिया, जिससे उसकी नस फट गई और उसकी मौत हो गई। उस औरत के 2 मासूम बेटे थे, एक 3 साल का और एक 1.5 साल का। मां की मौत के बाद वो दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ ही रहने लगे, लेकिन वो औरत मरने के बाद भी वहां से गई नहीं। उसकी आत्मा उसी मोहल्ले में भटकने लगी। ऐसे ही एक रात 3 बजे के करीब मेरी मम्मी बाहर आंगन में गई थी तो अचानक बाहर बहुत सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। मम्मी बहुत घबरा गईं और उसी वक्त कमरे के अंदर आ गईं। फिर सुबह उठ के मम्मी ने आसपास की औरतों से इस बारे में चर्चा की तो सबने माना कि रात के समय कोई बाहर घूमता है। सबको यकीन था कि ये उसी औरत की आत्मा है। साथ ही बताऊं कि उन लोगों का जो घर था वो असल में छप्पर का था, जिसकी छत ज्यादा मजबूत नहीं थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक उनके घर के ऊपर पता नहीं कहां से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। आस पड़ोस के सब लोग देख रहे थे, किसी को नहीं पता कि वो पत्थर कहां से आ रहे थे। लग रहा था कि छत अभी टूट जाएगी, लेकिन फिर कुछ देर बाद ये सब अपने आप बंद हो गया। उसके बाद उन लोगों ने घर की छत ठीक करवाई, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो छत फिर से अपने आप टूट गई। ऐसा कई बार हुआ, वो लोग छत ठीक करवाते और फिर कुछ टाइम बाद छत अपने आप टूट जाती। उस औरत का जो हस्बैंड था वो ड्राइवर का काम करता था। एक दिन वो शहर में गाड़ी चला रहा था कि तभी उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन उसका कई महीनों तक हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। उनके घर की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। एक्सीडेंट के बाद वो आदमी पागल हो गया। वो आज भी बिल्कुल पागल है और इधर उधर घूमता रहता है। उन लोगों ने बहुत से ओझा और तांत्रिकों को भी दिखाया। एक तांत्रिक ने उनके घर को पूजा पाठ करके बांध दिया था, जिसके बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर से वही सब चालू हो गया। कोई भी ओझा या तांत्रिक उस आत्मा का इलाज नहीं कर पाया। मोहल्ले के लोग
आज भी रात में उनके घर के आसपास जाने से डरते हैं। मेरा नाम राज है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मैं आपको पहले भी अपनी दो रियल स्टोरीज भेज चुका हूं, लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं ये सब खुद मेरे ही साथ हुआ था। ये 2010 की बात है, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। 12th में मैंने कॉमर्स साइड ली हुई थी और मैं डेली स्कूल के बाद कोचिंग जाता था। मेरे कोचिंग सेंटर में 12 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 10 लड़के और सिर्फ 2 लड़कियां थीं। उन 2 लड़कियों में से एक लड़की का नाम सुजाता था। वो लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कोचिंग में हर एक लड़का उसको लाइन मारता था, लेकिन वो किसी भी लड़के की तरफ ध्यान नहीं देती थी। फिर एक दिन की बात है, उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। क्लास में सिर्फ हम दोनों ही थे। मैं आपको बता दूं कि सुजाता देखने में बहुत सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाए। सुजाता ने मुझसे कहा कि क्लास में हर लड़का मुझे किसी ना किसी तरह इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक तुम हो जो मुझे देखती भी नहीं हो। क्या मैं तुमको अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बोली, राज, तुम मुझे अच्छे लगते हो, आई लाइक यू। उस टाइम मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर हम दोनों मिलने लगे। मैं भी उसे बहुत पसंद करने लगा। ये सब 2021 तक चलता रहा। तब तक मैं भी अपने काम में लगा रहा। बीच बीच में हम कभी कभी मिलते भी रहते थे। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाया और उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसकी और उसके पति के बीच बनती नहीं थी, और शादी के 6 महीने बाद ही वो अपने पति का घर छोड़ के अपने घर आ गई। उसके बाद हमारी 3-4 बार अकेले में भी मुलाकात हुई। वो हमेशा उदास रहती थी, और फिर एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से ठीक पहले वो अपने पति से बात कर रही थी। उसके पति ने कहा कि तुम जियो या मरो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, और इसके बाद उसने सुसाइड ही कर लिया। लेकिन सुजाता के सुसाइड करने के 15 दिन बाद ही मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लगता कि वो मेरे आसपास ही है। वो मुझे दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जब भी मैं उदास होता तो वो किचन में बर्तन को गिरा देती। शायद वो ये बताना चाहती थी कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज से ठीक 1 महीना पहले मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़की को पसंद किया था। एक दिन उस लड़की के घर वाले मुझे देखने आने वाले थे, लेकिन उनके आने के 2 दिन पहले ही उस लड़की की मम्मी का कॉल आया कि उनकी बेटी की अचानक से मौत हो गई है। वो बिल्कुल फिट थी। उसके घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी मौत ऐसे अचानक कैसे हो गई। जिस दिन उस लड़की की मौत हुई, उस रात करीब 2 बजे मैं अपने रूम में ही सो रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे रूम का दरवाजा अचानक से खुल गया। उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे कोई मेरी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा है, और उसी वक्त उठ के कमरे की लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही मैंने एक काली परछाई को खिड़की की तरफ जाते देखा। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि उस रायपुर वाली लड़की की मौत हो गई है। पूरी रात मैंने जागते हुए ही बिताई। फिर अगली सुबह जब मुझे उस लड़की की डेथ के बारे में पता चला, तो मुझे यकीन हो गया कि ये पक्का सुजाता नहीं किया था। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी और से शादी करूं। इस वक्त जब मैं ये स्टोरी लिख रहा हूं, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सुजाता मेरे बगल में है। मैं यूपी के रायबरेली में रहती हूं, और आपको एक सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहती हूं। ये सब हमारे घर के ठीक सामने वाले घर में उनकी बड़ी बेटी के साथ हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि एक बार अगस्त का महीना चल रहा था,
हमारे घर के सामने वाले घर में वो लोग छत पे बैठे हुए थे। दोपहर 12 बजे का टाइम था। तभी अचानक पता नहीं कहां से एक कबूतर आया और छत पे रखे उनके गेहूं खाने लगा। वो कबूतर बहुत सुंदर था। उसको देख के उनकी बड़ी बेटी ने अपनी मम्मी से कहा कि हम इस कबूतर को पकड़ के पाल लेते हैं। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस कबूतर को देख के उनकी बड़ी बेटी ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी हम इस कबूतर को पकड़ के पाल लेते हैं। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पाल लो इसको। तो उस लड़की ने उस कबूतर को पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन फिर उसी रात वो कबूतर उन सब लोगों के सपने में आया और उनसे उसको आजाद करने को कहने लगा। लेकिन उन सब लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस इसको एक सपना समझ के टाल दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही उनके सबसे छोटे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसको बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद उनकी बड़ी बेटी की भी तबीयत खराब होने लगी। उसका भी बहुत जगह इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। आखिर में उन्होंने अपने घर में एक हाफिज को बुलाया तो हाफिज ने उनसे कहा कि उस कबूतर को अभी के अभी आजाद कर दो, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। फिर जब वो लोग उस कबूतर को आजाद करने उस पिंजरे के पास गए तो देखा कि वो कबूतर पिंजरे में से गायब हो चुका था। उसके बाद हाफिज ने बहुत कुछ पढ़ के उनके घर पे दम किया लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक बहुत जाने माने हाफिज को अपने घर में बुलाया तो उन्होंने बताया कि वो कोई आम कबूतर नहीं था, वो असल में एक पिशाच था जो कि एक सुंदर कबूतर का रूप लेकर वहां आया था। फिर उन हाफिज ने उस पिशाच को उनकी बड़ी बेटी के अंदर हाजिर किया और उससे बात करने लगे। वो पिशाच उनसे बोला कि मैं ऐसे यहां से नहीं जाऊंगा, इन दोनों बहनों को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। उस लड़की की हालत बिल्कुल मरने जैसी हो चुकी थी। पूरे घर में रोना पीटना मचा था कि तभी वो लड़की अपनी असली आवाज में रोने लगी, बोली अम्मी मुझे बचा लो। फिर वो हाफिज अपने बहुत से साथियों को लेकर आए और उनके घर में बहुत सारी चीजें की। उनके घर 40 दिनों तक फतिया करवाया गया और तब जाकर वो पिशाच उनसे दूर हुआ। लेकिन आज भी वो लड़की कहीं बाहर नहीं जाती। वो हाफिज अभी भी बीच बीच में उनके घर पे आते रहते हैं। मेरा नाम अनिर्बन है, मैं असम के एक गांव में रहता हूं। मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। तो हुआ ऐसा था कि एक बार मेरी दादी की डेथ हो गई थी, जिसके अगले दिन हमने घर में पूजा रखी थी। तो उस दिन मैं और मेरे 6 कजन्स गांव में डेस्क और बेंच लेने गए थे। दरअसल हमारे गांव में एक ऐसा घर होता है जिसमें डेस्क और बेंच रखे होते हैं ताकि गांव वाले वो यूज कर सकें जब भी गांव में किसी को जरूरत पड़े तो। और ठीक उस घर के पास ही एक स्कूल भी बना था। तो जब हम उस घर से सामान लेकर निकल रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल के अंदर से शॉर्टकट लेकर आता हूं। मेरे कजन्स तो सीधे रास्ते से चले गए थे लेकिन मैं स्कूल के अंदर से जाने लगा। मैं तब 4th क्लास के रूम के सामने वाली कॉरिडोर से जा रहा था कि तभी क्लास 4 और 5th के बीच से मुझे एक अजीब सी आवाज आती सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपने पैर जमीन पे घसीट के चल रहा हो। वो आवाज सुनके मैं वहीं रुक गया। मुझे बहुत अजीब लगा कि इस बंद पड़े स्कूल में ये आवाज कैसी आ रही है। लेकिन तभी किसी ने मेरा नाम लेके मुझे आवाज दी, ए लकी इधर आ। लकी मेरे घर का नाम है। वो आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। मुझे लगा शायद गांव के छोटे बच्चे स्कूल में खेल रहे होंगे। तो ये देखने के लिए मैं उस क्लासरूम के अंदर चला गया
जिसके अंदर से वो आवाज आई थी। लेकिन वहां जाके मैंने देखा कि क्लासरूम तो बिल्कुल खाली था, उसके अंदर कोई बच्चा नहीं था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, ऐसा कैसे हो सकता था। मैं जल्दी से भाग के स्कूल के बाहर चला गया। स्कूल के गेट के बाहर से भी मैंने स्कूल को देखा, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। मैंने अपने कजन्स के पास जाके उनको भी ये बात बताई तो वो मेरी बात सुन के हंसने लगे। मेरे भैया भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। फिर इसके 2 दिन बाद ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो माँ ने बताया कि कुछ साल पहले एक छोटी लड़की उस स्कूल में मर गई थी। उस लड़की की आत्मा आज भी उस स्कूल में घूमती है। उस छोटी लड़की की आत्मा को बहुत से लोगों ने उस स्कूल में देखा था, जिसके बाद उस स्कूल को बंद कर दिया गया और उसके बगल में ही एक दूसरा स्कूल खोल दिया गया। उस दिन के बाद मैं भी उस बंद पड़े स्कूल में फिर कभी नहीं गया।